तो देखो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फोर कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फोर कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो सकते हैं? एक दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा यहाँ पे उनके डेंसिटी पे, मतलब कितने लोन पेयर डोनेट करेंगे। बट नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे? हमेशा फोर। तो सिस्टम क्या हो सकता है? डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर एंड डी फाइव। और फोर का नेशनल नंबर से हाइब्रिडेशन हमेशा क्या बनेगा? या तो एसपी थ्री बनेगा या फिर डी एसपी टू। तो उसी पे एक कैसे डिस्कस करते हैं, कब एसपी थ्री और कब डी एसपी टू बनेगा। डी वन सिस्टम के लिए एग्जांपल बताओ, स्कैंडियम में कितना चार्ज रखेंगे कि डी वन सिस्टम हो जाएगा? स्कैंडियम में कितना चार्ज रखेंगे कि डी वन सिस्टम हो जाएगा? वेरी गुड। स्कैंडियम में कितना चार्ज रखोगे? प्लस टू। तो सिस्टम हो जाएगा डी वन। एक बार स्टॉक लिगेंड के साथ, और एक बार वीक लिगेंड के साथ, स्कैंडियम H2O और वीक लिगेंड हो गया है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड फोर प्लस टू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना जाएगा इसका? 3D, 4s 0, 4p भी 0 हो जाएगा, और d में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 1। वैसे इसके प्लस टू के लिए एग्जांपल बता दो, टाइटेनियम से कितना चार्ज मेंटेन रखोगे? प्लस टू। वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, सब प्लस टू चार्ज रखोगे तो आ जाएगा भाई जो सिस्टम हमने लिखा वो सिस्टम मिल जाएगा का प्लस टू चार्ज रखोगे तो। एक बार वीक लिगेंड और एक बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड, देख लेंगे फर्क क्या पड़ता दोनों से। और यही टेबल आपका कंक्लूजन बनेगा बाद में। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन 3D 2 4s 0 4p 0, यहाँ पे कितना आएगा? 3D 3 4s 0 4p 0 3D 4 4s 0 4p 0 3D 5 4s 0 and 4p 0। क्लियर है सभी को? वेनेडियम के आउटर सेल में कितने, स्कैंडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 2 निकल गया तो D1 सिस्टम, इसके में होते हैं 4, 2 निकल गया तो 2 सिस्टम, 5 होता है 2 निकल गया 3 D3 सिस्टम, 6 होता है 2 निकल गया तो D4 सिस्टम, 7 होता है 2 निकल गया तो D5 सिस्टम। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? 1, एक्साइटेड स्टेट 1। अब नंबर ऑफ वाटर लिगेंड कितने यहाँ पे? 4। तो वाटर लिगेंड 4 है तो मुझे क्या मिलेगा भाई? कितने, एक तो D चाहिए अंदर का, यहाँ पे एक D अवेलेबल है कि नहीं है? देखो खाली है ना, हमारा हाइब्रिडेशन क्या होगा, या तो D sp2 होगा या पूरा का पूरा sp3 होगा, यही होगा कि नहीं? तो इनर का कितना D चाहिए मुझे? बस 1। अवेलेबल है कि नहीं है वहां पे देख लो, अगर अवेलेबल है तो लोन पेयर अंदर की ओर आएगा, ये जैसा था वैसे ही रहेगा। फर्स्ट लोन पेयर ये पूरा खाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? हमको बस एक चाहिए तो एक से अपना लेके काम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक डी का यूज हुआ है, एस का 1, पी का 2, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा भाई? डी एस पी 2, एक साथ नोट करेंगे इसका भी। अब मुझे ये बताओ, जब लिगेंड वीक था तो ये बना, स्ट्रांग होगा तो क्या होगा भाई? जगह एक खाली है, खाली है कि नहीं भाई? सेम बनेगा भाई, लोन पेयर आया फर्स्ट सेकंड एस में, थर्ड और इन फोर्थ पी में, तो यहाँ पे भी हाइड्रेशन क्या होगा? डी
sp2। स्ट्रक्चर दोनों में क्या होगा भाई? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर sp लिख देता हूँ ना, स्क्वायर प्लेनर का sp। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन। अब दोनों में सेम दिख रहा तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू। वेरी गुड। इसका अप्रॉक्स 1.73 के आसपास और इसका 1.732, ये तो रहेगा ही नहीं, ज्यादा ही होता है, 2.2 तक ले जाओ। मैग्नेटिक नेचर दोनों कैसे होंगे? पैरा मैग्नेटिक। D2 सिस्टम में ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट भी यही रहेगा दोनों का। दोनों का एक्साइटेड स्टेट भी सेम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बता, वीक लिगेंड है तो हमको तो बस एक डी का जरूरत है, वो भी मिल ही रहा है, तो पेयरिंग कराने का जरूरत पड़ेगा क्या? हमें तो बस एक डी चाहिए ना, वो अवेलेबल है, तो फिर पेयरिंग कराने का कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लोन पे है, सेम यहाँ पे भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ लोन पे है। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? डी एस पी टू, डी एस पी टू एस पी। तुमको पता चल गया कौन कितने सिस्टम तक, कई लोगों को समझ में आ रहा होगा कितने सिस्टम तक लिगेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लिगेंड के नेचर से सब में एक जैसा हाइब्रिडेशन आएगा। कौन से सिस्टम तक बता सकते हो? कहां तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। D4 तक। D4 तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वेरी गुड। 3 यहाँ पे, 4। तो D3 है, तो D3 में चाहे वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। 8D तो खाली दिख ही रहे आपको, यहाँ के भी एक्साइटेड स्टेट में 8D क्या है, खाली। तो हमको 8D का यूज चाहिए भाई। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा बताओ? डी एस पी टू, डी एस पी टू स्ट्रक्चर sp। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 पैरामैग्नेटिक नेचर, बोर मैग्नेट्रॉन का वैल्यू आप लोग निकाल लोगे। अब फोर हुआ तो अभी एक डी ऑर्बिटल दिख ही रहा भाई वेकेंट। यहाँ पे भी एक डी खाली दिख रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे एक लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, फोर्थ लोन पेयर, फर्स्ट लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, फोर्थ लोन पेयर। हाइब्रिडेशन डी एस पी टू, डी एस पी टू एस पी एस पी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 4, 4 पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। बोर मैग्नेट्रॉन के वैल्यू में फर्क पड़ेगा, मतलब D4 सिस्टम तक लिगेंड चाहे वीक आया या फिर स्ट्रॉन्ग, 8D ऑर्बिटल खाली, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। लेकिन D5 सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा फर्क पड़ना। एक चाहता हूँ देखते D5 सिस्टम है तो फर्क दिखेगा भाई। एक्साइटेड स्टेट वीक लिगेंड वाला पहले देख लेते हैं। वाटर वीक लिगेंड है भाई, तो एक्साइटेड स्टेट में वीक लिगेंड है तो इसके पास इतना एबिलिटी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवा सके। वीक लिगेंड के पास ये एबिलिटी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो सके, पेयरिंग। तो क्या होगा अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5 तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं कराएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई? आउटर सेल में, मतलब 4s में
4P में तो 1, 2, 3, 4 तो हाइब्रिडेशन क्या आया भाई sp3 हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा sp3 तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा टेट्राहाइड्रल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हाईली पैरामैग्नेटिक जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो उतने ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के रिस्पेक्ट में हमको कितना डी ऑर्बिटल का जरूरत है भाई इनर का एक एक तो एक डी ऑर्बिटल का अवेलेबिलिटी कैसे बनाओगे पेयरिंग करके ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चल जाएगा मतलब ये जगह हो गया वैकेंट बस जितना का जरूरत है उतने ही जगह बनेगा और उससे ज्यादा नहीं ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लोन पेयर दूसरा थर्ड लोन पेयर और ये फोर्थ लोन पेयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो हाइड्रेशन क्या हुआ बताओ डी sp2 sp अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 पैरामैग्नेटिक नेचर होगा तो फर्क कहां से मिलेगा d5 सिस्टम से डिफरेंस कहां से ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाएगा d5 सिस्टम से। तो क्लियर है सभी को तो d6 to d10 सिस्टम d6 में 6 इलेक्ट्रॉन लिगेंड वीक था तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसलिए हाइब्रिडेशन क्या आया sp3। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो d में 6 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो एक घर की अवेलेबिलिटी बना सकता है कि नहीं बना सकता भाई कैसे बनाएगा बताओ एक वेकेंट d ऑर्बिटल कैसे फॉर्म करेगा इस इलेक्ट्रॉन को भेज देगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये पेयर और यहाँ पे एक बन जाएगा अवेलेबल डी ऑर्बिटल जिसके कारण हाइब्रिडेशन क्या आएगा क्या आने वाला हाइब्रिडेशन बोलो डी एस पी टू तो हाइब्रिडेशन DSP2 अच्छा ये टेट्राहेड्रल बोर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक नेचर सब एक साथ कर लेंगे। अब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट जो है वही एक्साइटेड स्टेट होगा क्योंकि लिगेंड क्या है वीक तो लिगेंड वीक होने के कारण क्या होने वाला है हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3 तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। अब यहाँ पे लिगेंड ठहरा भी है स्ट्रॉन्ग तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या एबिलिटी होता है बताओ पेयरिंग करना स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एबिलिटी क्या होता है पेयरिंग करवाना तो पेयरिंग करवाएगा तो क्या होगा भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा जगह खाली हुआ कि नहीं हुआ यस सर बस 2, 4, 6, 1 अब लोन पेयर आ जाएगा भाई फर्स्ट लोन पेयर सेकेंड लोन पेयर थर्ड लोन पेयर फोर्थ लोन पेयर हाइब्रिडेशन DSP2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज होगा कितना होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 लिख लेंगे आराम से यहाँ पे 1। अब सिस्टम D8 है तो कितने इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट है वही एक्साइटेड स्टेट होगा वीक लिगेंड के रिस्पेक्ट में क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 तो लिगेंड ठहरा भी है वीक तो वो नहीं करा पाएगा इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग इसलिए हाइब्रिडेशन क्या जाएगा यहाँ पे sp3 sp3 और स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। यहाँ पे पेयरिंग करवा सकता है क्या इलेक्ट्रॉन यस सर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवा सकता है लिगेंड क्योंकि लिगेंड कैसा ठहरा स्ट्रॉन्ग तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा
एक डी ऑर्बिट अवेलेबल हो गया, मतलब क्या बन जाएगा भाई, एक लोग सेकंड थर्ड डीएसपी टू एसपी हाइब्रिडाइजेशन सॉरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग पॉसिबल है क्या? नो सर, नहीं है पॉसिबल। तो क्या होगा यहाँ पे? एसपी थ्री। क्या होगा यहाँ पे ब्रिस्टन? फर्स्ट और पेयर, सेकेंड और पेयर, थर्ड एंड फोर्थ एसपी थ्री टेट्राहेड्रल। सेकेंड वाले केस में भी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग पॉसिबल है ही नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा यहाँ पे भी? यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? एसपी थ्री। एसपी थ्री फर्स्ट लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, फोर्थ लोन पेयर एसपी थ्री टेट्राहाइड्रल। सेम केस यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग पॉसिबल नहीं होगा, तो कंक्लूजन मिला कि नहीं मिला कि कहाँ तक के सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो सकता है कहाँ पे नहीं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव, फर्स्ट लोन पेयर, सेकेंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, फोर्थ लोन पेयर एसपी थ्री। यहाँ पे भी एसपी थ्री। तो क्लियर है यहाँ पे? फिर से एक बार, डी में सिक्स इलेक्ट्रॉन था तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं कर पाया, बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दिया, तो एक डी ऑर्बिटल खाली हो गया। डी सेवन है, वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाया, तो जैसा था वैसा ही रह गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो तीन पेयर मिल गए। उसके बाद डी एट में वीक लिगेंड था तो इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था सेकंड केस में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो ये वेकेंट डी ऑर्बिटल बन गया। डी नाइन में कुछ हो ही नहीं सकता भाई, लेकिन यहाँ रखना कॉपर टू प्लस में अमोनिया के साथ एक्सेप्शनल है, ठीक है ना? कॉपर टू प्लस अमोनिया के साथ क्या एक्सेप्शनल लग तो रहा है यहाँ पे, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो एसपी थ्री होना चाहिए, बट होता क्या वहां पे डीएसपी टू, बता दिए पहले ही। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने फर्स्ट वाले में, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोलो जल्दी? फोर फर्स्ट वाले में, वन टू थ्री फोर है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने सेकंड वाले में? टू। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थ्री थ्री, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू टू जीरो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वन, यहाँ पे भी वन जीरो जीरो। हाइब्रिडाइजेशन नोट ने किया हमने टीडी टीडी। तो ये डायमैग्नेटिक है और लास्ट वाला भी क्या है यहाँ पे डायमैग्नेटिक। बाकी सब कैसे हैं भाई? पैरा मैग्नेटिक। बाकी सब क्या पैरामैग्नेटिक। बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू पुट कर लो भाई। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ फोर कोऑर्डिनेशन नंबर कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। नोट डाउन कर लो इसको भी। आज की सेवा करते हैं समाप्त फिर। और डी टेन में मैंने वहां पे एक में डायमैग्नेटिक के जगह में पैरामैग्नेटिक लिख दिया था, हमने करेक्शन कर लिया, आप लोग भी करेक्शन कर लेना, ठीक है ना? बाय बेटा सभी को।